भोपाल के संकल्प पत्र को लेकर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि पिछली परिषद के काम को आगे बढ़ाते हुए संकल्प पत्र जारी किया है। इसको जारी करते समय हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता कहते हैं कि घोषणा पत्र को कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सामने रखकर ही काम करते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर भोपाल में भाजपा के संकल्प पत्र अभियान समिति के अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। भोपाल नगर निगम चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं संकल्प पत्र अभियान समिति के संयोजक श्री उमाशंकर गुप्ता जी। सर, 22 पॉइंट आपने संकल्प पत्र में दिए हैं, पूरे भोपाल के विकास को लेकर किस तरह से पूरा किया जाएगा? ये देखिए, वास्तविकता का आकलन करते हुए पिछले समय जो हमने हमारे महापौर परिषद ने काम किए हैं उनको आगे बढ़ाते हुए, आगे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोगों के सुझाव के आधार पर हमने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा है कि हम उनको पूरा कर पाएँ और एक वचन पत्र के रूप में हमने इसको जारी किया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस किया, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स, ये आम आदमी के लिए बजट पे रहता है भारी, क्या लगता है सर जिस प्रकार के उन्होंने वादे किए हैं ये बीजेपी के लिए मुसीबत तो नहीं बनेंगे सर? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल वायदे करती है और कांग्रेस के नेता ही कहते हैं घोषणा पत्र कोई पढ़ता नहीं। हम घोषणा पत्र को सामने रख कर काम करते हैं और जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उनको भी दूर करेंगे। सवाल ये है कि हम सबको युक्त संगत बनाए, वाटर प्लस शहर बनना चाहिए, पानी की किल्लत कहीं नहीं रहे। जहाँ भी अभी डिपेंडेंसी टैंकर पर है वहाँ पाइपलाइन डालकर हर घर पानी पहुँचाएँ, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, मेट्रो प्रोजेक्ट भोपाल में चल रहा है सर, आपको लगता है कि मेट्रो प्रोजेक्ट को भी इसमें मेंशन किया जाना था सर? देखिए, मेट्रो प्रोजेक्ट क्योंकि लागू हो गया, लगभग पूर्णता की ओर है, 23 में मेट्रो ट्रेन चलाने की हमारा योजना है और इसलिए उसको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या लगता है सर जिस तरह से अभी वर्तमान में बारिश हो रही है सर और जल भराव की स्थितियाँ कई कॉलोनी में देखने को मिल रही है, थोड़ा सा आम आदमी परेशान है, कांग्रेस इसको मुद्दा भी बनाती जा रही है सर? तो कांग्रेस का काम है, मुद्दा कोई है नहीं, जो दिख जाए उसको मुद्दा बना लेना। कई बार ये तात्कालिक स्थानीय कारणों से कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है, लेकिन समस्याओं का स्थायी निदान भारतीय जनता पार्टी के पास ही है और वो कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे पूर्व विधायक और संकल्प पत्र अभियान समिति के संयोजक श्री उमाशंकर गुप्ता जी। भरोसा है हमने जो 22 सूत्रीय जो संकल्प पत्र जारी किया है उस पर काम भी करेगी बीजेपी। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।